नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हो चुकी है। भारत का प्रदर्शन अभी तक बहुत अच्छा रहा है। अभी तक हुए राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खाते में है, जबकि भारत इस लिस्ट में टॉप 5 में शामिल है। अगर बात करें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत 1930 से हुई है। तब इनका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था। इन खेलों की मेजबानी कनाडा शहर के हैमिल्टन ने की थी। 11 देशों के 400 एथलीटों ने 6 खेलों की 59 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। इंग्लैंड ने पहले ही राष्ट्रमंडल खेलों में 25 स्वर्ण, 23 रजत और 13 कांस्य पदक सहित 61 पदक के साथ पदक तालिका में अपना शीर्ष स्थान बनाया था। पहले राष्ट्रमंडल खेलों में तैराकी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, लॉन बॉल, रोइंग और कुश्ती शामिल थी। इसके अगले साल ही भारत ने ब्रिटिश झंडे के नीचे राष्ट्रमंडल खेलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन साल 1934 में इंग्लैंड के शहर लंदन में हुआ था। हालांकि भारत ब्रिटिश झंडे के नीचे खेला, क्योंकि तब भारत में अंग्रेजों का शासन था। भारत ने तब केवल 2 स्पर्धाओं, कुश्ती और एथलेटिक्स में हिस्सा लिया था। 17 देशों के बीच भारत ने एक कांस्य पदक के साथ अपना खाता खोला और वह 12वें यानी अंतिम पायदान पर रहा। साल 2010 में हुए 19वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का बेड़ा भारत ने उठाया। तब भारतीय खिलाड़ियों ने 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य पदक सहित पहली बार पदकों का शतक बनाते हुए रिकॉर्ड 101 पदक अपने नाम किए। साल 2014 में 20वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन स्थल बना ग्लासगो। भारत यहां पिछले 101 पदकों के मुकाबले 64 पदकों पर सिमट गया, यानी भारत का प्रदर्शन इसमें बहुत खराब रहा। तब भारत के हाथ 15 स्वर्ण, 30 रजत और 19 कांस्य पदक लगे। राष्ट्रमंडल खेले भारत अभी तक 155 स्वर्ण, 155 रजत और 128 कांस्य पदक सहित 438 पदक जीत चुका है। इस बार खेल के 14 दिन तक भारत को 6 गोल्ड मिल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में चल रहे 21वें कॉमनवेल्थ गेम में रविवार को 14 दिन की शुरुआत भारत के लिए काफी अच्छी रही। भारत को अभी तक कुल 19 पदक मिले हैं, जिनमें 6 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। जाहिर है 500 का पदक का आंकड़ा छूने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को जी तोड़ प्रदर्शन करना होगा। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक हुए सभी 20 कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लिया है और कुल 852 गोल्ड मेडल जीते हैं।